हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब लोग। तो आज वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मैं डर्माको के प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उनका प्रोडक्ट का रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करूँ। सो जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू शेयर करने वाली वो है 10% नाइसिनामाइड सीरम। तो ये वाला सीरम तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम से ट्राई कर रही हूँ, ये मेरा सेकंड परचेस है इसका, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा सीरम है गाइस। अपने फेस को क्लीन करने के लिए यूज़ करूँ डर्माको का क्रीमी क्लींजर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। इस डर्माको के जो फेस वॉश है इसका रिव्यू तो मैं अभी शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि ये मैंने यूज़ नहीं किया है, बट ये थोड़ा क्रीमी टेक्सचर है इस फेस वॉश का, तो ये सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो अब हम बात करते हैं नाइसिनामाइड सीरम की। इसमें विटामिन B3 प्लस जिंक दोनों हैं, और विटामिन B3 हमारी स्किन में मॉइस्चर प्रोवाइड करवाता है, हमारी स्किन को, हमारी स्किन के रिंकल्स रिमूव करता है, हमारी स्किन को स्मूथ बनाता है, और जो जिंक होता है वो हमारी स्किन को UV डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, और हमारी स्किन पर एक्ने ना हो उसका भी ध्यान रखता है। तो आप इस सीरम को हाईली रिकमेंडेड, मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप इसे ट्राई करें। इसे हमें डे एंड नाइट रूटीन में ट्राई करना है। मुझे अपने फेस में काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिला है जब से मैं अपने डर्माको के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही हूँ तब से। एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्रोडक्ट का, तो आप लोग देख सकते हैं मेरा फेस कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो ये तो था मेरा 10% नाइसिनामाइड सीरम का छोटा सा मिनी सा रिव्यू। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।